राजस्थान में जारी सियासी घमासान का दौर थमता दिखाई नहीं दे रहा। सचिन पायलट समेत 19 विधायकों के बागी तेवरों के बाद अशोक गहलोत सरकार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। खास बात यह है कि सचिन पायलट खेमे के रुख में पार्टी से नाराजगी बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, बागियों के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग भी उठने लगी है। दरअसल बीते रविवार को यानी 9 अगस्त को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में मौजूद विधायकों ने पायलट खेमे पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की। बताया जा रहा है अब राजस्थान कांग्रेस हाईकमान के सामने पायलट खेमे की वापसी को लेकर कोई चर्चा नहीं करेगी और अब बागी गुट पर ही फैसला लेने के लिए छोड़ दिया गया है। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस में पायलट गुट की वापसी के रास्ते बंद हो गए हैं। उधर विधायक दल की बैठक में मौजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम विधायकों से उसी तरह विधानसभा में एकजुटता दिखाने की अपील की जैसे कि अब तक उन्होंने दिखाई है। जैसलमेर के रिसोर्ट में कांग्रेस विधायक दल और समर्थक दलों की बैठक में को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा, हम सब लोकतंत्र के योद्धा हैं, ये लड़ाई हम जीतने जा रहे हैं और 3.5 साल बाद चुनाव में भी जीतेंगे। आपको बता दें, राजस्थान में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच चले गतिरोध के बाद अब 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र बुलाया गया। गहलोत इस सत्र में विश्वास मत रखने और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। जाहिर है अगर वह जीत जाते हैं तो उन्हें 6 महीने तक चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा हुआ तो इसका सचिन पायलट के सियासी भविष्य पर खासा असर होगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में कांग्रेस सचिन पायलट को लेकर क्या फैसला करती है। ब्यूरो रिपोर्ट।